सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स का यूज़ जनरली वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड फंक्शन रिटर्न टाइप में होता है डेटा टाइप्स का यूज़ केयरफुली करना होता है क्योंकि ये सिस्टम के स्पेस को रन टाइम में यूज़ करता है तो ऐसा भी प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए जो ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करे इस कोर्स में अभी तक कुछ डेटा टाइप्स को प्रोग्राम में यूज़ भी कर चुके हैं तो चलिए इस यूनिट में डेटा टाइप्स को डिटेल्स में स्टडी करते हैं डेटा टाइप्स को अलग अलग बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ होता है जिससे कन्फ्यूजिंग भी होती है जब आप बिगनर होते हैं लेकिन इसे समझना बिल्कुल आसान होता है डेटा टाइप्स को तीन कैटेगरी में रखा जाता है फर्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सेकेंड नॉन प्रिमीटिव डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड थर्ड डिराइव डेटा टाइप्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट कैरेक्टर वर्ड ये सब प्रिमीटिव डेटा टाइप्स होते हैं नॉन प्रमिटिव डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में एनिम्रेशन स्ट्रक्चर यूनियन ये सब नॉन प्रीमेटिव डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं एरे पॉइंटर ये डिराइव डेटा टाइप्स हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप्स को इस यूनिट में स्टडी करेंगे नॉन प्रमिटिव डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को आने वाले यूनिट्स में स्टडी करेंगे पॉइंटर को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं एरे को आने वाली यूनिट में स्टडी करेंगे चलिए डेटा टाइप्स को स्टडी करना शुरू करते हैं सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप्स को स्टडी करते हैं इंटीजर यानी इंट डेटा टाइप का यूज़ करके होल नंबर यानी ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल वैल्यू ना हो उसे स्टोर कर सकते हैं इंट के जगह पे आप साइंड इंट का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही टू बाइट स्पेस लेता है एंड माइनस थ्री टू सेवन सिक्स एट टू थ्री टू सेवन सिक्स सेवन तक के नंबर्स को स्टोर कर सकता है यदि आप इस रेंज से ज़्यादा वैल्यू इंट या साइन इंट में स्टोर करेंगे तो वो फोर बाइट्स स्पेस अलोकेट करेगा एंड फिर इसके नंबर स्टोर करने का रेंज भी बढ़ जाएगा इसी तरह से आप टेबल के बाकी इंटीजर डेटा टाइप्स को समझ सकते हैं एक क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि डेटा टाइप्स के रेंज को कैसे वैलिडेट करें या देखें प्रोग्रामिंग से क्योंकि जो टेबल में लिखा हुआ है वो रॉन्ग भी हो सकता है ना ग्रेट चलिए इसे एक प्रोग्राम से वैलिडेट करते हैं स्क्रीन पे दिए हुए प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करके इंट के रेंज को देख सकते हैं नोटिस मैंने एक न्यू हेडर लिमिट्स डॉट एच को यूज़ किया है लिमिट्स डॉट एच फाइल का यूज़ करके ये रेंज देखा जा सकता है लिमिट्स डॉट एच के बारे में ज़्यादा स्टडी करने के लिए दिए हुए लिंक पे आप जा सकते हैं आप एग्जैक्ट कोड को अभी डेवलपर में देख सकते हैं चलिए एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख सकते हैं ये वही रेंज है जिसे टेबल में दिया गया था आई होप आप टेबल में दिए हुए बाकी सभी इंटीजर डेटा टाइप्स को समझ गए होंगे